Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ahlihi wa sahabihi ajmain amabad. Mere bhai ya meri behen, main aapka welcome karta hoon is choti si guftagu mein jisme hum apne banane wale ke bare mein baat karenge. Ek baat to sure hai ki hum sab ka banane wala malik hai. Humne apne aap ko nahi banaya. Agar gaur karte hain to kya ye haathon ko humne banaya? क्या ये उंगलियों को हमने बनाया? क्या हमारे शरीर और बॉडी को हमने बनाया? क्या ये आसमान और ज़मीन को हमने बनाया? तो ये देखकर तो बात पता चलती है कि इसे बनाने वाले हम नहीं हैं और इसका यकीनन श्योरली कोई बनाने वाला है. खुद से तो नहीं बन सकती. ज़रा सोचिए कि कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग को देख कर अगर कोई कहे कि ये बिल्डिंग खुद से बन गई, खुद ब खुद ऐसा हुआ कि ईंट जो ब्रिक्स होती है वो ईंट एक के बाद एक आती गई, उसके ऊपर अचानक ऐसा हुआ खुद ब खुद कि सीमेंट लग गया, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग की जो दीवार बन गई, दीवार के अंदर जो कॉलम्स वगैरह बनने थे खुद ब खुद बन गए, और प्लास्टर हो गया, पेंटिंग हो गई, प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिशियन का वर्क हो गया, खुद ब खुद हो गया. क्या आप ये बात को मानेंगे? श्योरली नहीं मानेंगे. कोई भी अक्लमंद इंसान जिसके पास दिमाग है वो ये बात को मान ही नहीं सकता कि कोई बिल्डिंग खुद ब खुद बन गई. उसका कोई बनाने वाला है. उसे देखकर ही हम ये बात कह सकते हैं कि किसी ने इसे बनाया तो बनी. अब हमारे बारे में भी तो ये रियलिटी है कि किसी ने हमें बनाया, किसी ने इस आसमान और ज़मीन को बनाया. आइए चंद मिनट थोड़ी ज़िंदगी में से निकालते हैं और उसके बारे में बात करते हैं. मेरे भाई और मेरी बहन, आप ज़रा ये सोचिए कि आसमान और ज़मीन का जो बनाने वाला है, जो हम सबका पालनहार है, जो इस पूरी क्रिएशन का रचनाकार है, जो क्रिएटर है, और वही इस पूरे बनाने वाली जो बनी हुई चीज़ है क्रिएशन का मालिक भी है, तो क्या आपका और मेरा अलग है? क्या एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम, एक जू, एक सिख, ये सब के अलग अलग बनाने वाले हैं या सबका एक ही बनाने वाला है? अगर हम सब गौर करते हैं और ये बात पर सोचते हैं तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि हम सबका बनाने वाला एक ही है. हम सबको अलग अलग पालनहार ने नहीं बनाया, हम सब का बनाने वाला एक ही मालिक है. और उसके बारे में अगर हम सोचते हैं कि वो कैसा है, तो ये बात तो श्योर है. आसमान और ज़मीन को देखकर ये बात पता चलती है कि वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है. क्योंकि अगर आसमान और ज़मीन में कमी होती तो ज़रा सोचिए, ये सूरज के आगे के इर्द गिर्द गोल हमारी धरती घूम रही है, और ज़मीन के वो गोल गोल चांद घूम रहा है, और हमारा सूरज भी है वो मंदाकिनी गैलेक्सी मिल्की वे में वो भी गोल गोल घूम रहा है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी वो भी ऐसी बहुत बड़ी क्लस्टर के अंदर गोल गोल घूम रहा है, और वो पूरा क्लस्टर यूनिवर्स में गोल गोल घूम रहा है, और हम बात कर रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स की बनाने वाले की. ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि का जो निर्माण करने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं. और जब उसकी बात कर रहे हैं तो ये बात तो क्लियर है कि उसको बनाने वाला कोई नहीं बल्कि वो खुद बनाने वाला है. अगर ये सवाल के बारे में सोचते हैं कि आखिर में ईश्वर पालनहार जो है, परम परमेश्वर जो है, वो एक है या अनेक है, तो इस सवाल के जवाब में आइए जरा हम एक मिसाल के बारे में गौर करें. एक गाड़ी में अगर दो ड्राइवर हो जाएं, एक ड्राइवर राइट से खींचे, एक ड्राइवर लेफ्ट से खींचे, एक एक्सीलरेटर दबाए और एक ब्रेक दबाए, तो क्या हाल हो जाएगा गाड़ी का? अगर दो ड्राइवर हो तो एक गाड़ी का क्या हाल हो जाएगा? अब जरा सोचिए कि अगर पूरी सृष्टि में, यूनिवर्स में, अगर एक मालिक के अलावा कोई और होता, उसके अलावा कोई और पालनहार होता, कोई और गॉड होता, तो यहां पर तो कितना बड़ा दरहम बरहम, कितना सब कुछ नष्ट हो गया होता. एक छोटी सी गाड़ी में यह हाल हो जाता है तो पूरी दुनिया में क्या हाल हो जाता. तो सही बात तो यह है कि आपका और मेरा बल्कि हर इंसान का पालनहार और बनाने वाला एक ही है. हमारे बहुत सारे बनाने वाले नहीं हैं, और उसने हमें बनाया है, उसने हमें पैदा किया है दुनिया में एक मकसद की वजह से. कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह अल-अंबिया में सूरह 21 आयत नंबर 22, वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा और माबूद और ऐसे होते जिनकी पूजा की जाए, उपासना की जाए, बंदगी की जाए, वर्शिप किया जाए, ऐसे होते
لفسدتا فساد ہو جاتا. تو یقیناً عربک زبان میں ہم اسے اللہ کہتے ہیں, لیکن چاہے انسان جس کسی زبان میں جو کچھ کہے بات ہمارے مالک کی ہو رہی ہے. وہ مالک اکیلا ہے اور وہی ہے اس دنیا کا بنانے والا, اور جب بنانے والا وہی ہے تو اس پوری دنیا کا مالک بھی وہی ہے, اور جب مالک وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اچھا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, کئی بار پریکشائیں پریشانیاں وہ بھی آتی ہیں, وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, نعمت آسانی بھلائی وہ بھی دینے والا وہی ہے, پریشانی مشکل آزمائش وہ بھی دینے والا وہی ہے. ہمیں اس سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس سے دور اگر ہم اپنی زندگی بتا رہے ہیں, ہم اگر اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, تو ہم نے ایک ایسی طاقت کو چھوڑ دی جو اس پوری دنیا کا بنانے والا ہے. ہماری زندگی میں خالی پن آ جائے گا, ہم اپنی زندگی کے اندر مشکلیں پریشانیوں میں سروائیو نہیں ہو پائیں گے, زندگی ایک بوجھ بن جائے گی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی کے ارتھ سے مقصد سے دور ہو جائیں گے, ہم اپنے مالک سے دور ہو جائیں گے. آئیے تھوڑا آج کی ہماری بزی لائف اور شیڈیول میں سے چند منٹیں نکال کر ذرا ہم سوچتے ہیں اپنے پالنہار کے بارے میں. ایک بات تو یہ کلیئر ہے کہ بنانے والا ایک ہے, اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ یونس میں سورہ 10 آیت نمبر 107, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اس کی نعمت کو تم تک آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں, نعمتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں, کبھی کسی کو کوئی تکلیف مل جاتی ہے, اور اس نے یہ کہا ہے قرآن میں سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 35, کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, میں تمہیں آزماؤں گا بری چیزوں سے اور اچھی چیزوں سے, آزمائش کے طور پر, وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, لیکن انہیں اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے, لیکن انہیں اللہ ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے. تو ہم یہ غور کریں کہ اس مالک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں جو اولاد چاہیے وہ بھی دینے والا وہی ہے, ہمیں رزق چاہیے, ہمارے جینے کے سارے سادھن چاہیے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, زندگی دینے والا وہی ہے, موت دینے والا بھی وہی ہے, بیماری دینے والا وہی ہے, ٹھیک کرنے والا بھی وہی ہے. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے, لیکن ٹھیک کرنے والا تو اوپر والا ہی ہے. کئی بار ڈاکٹرز بولتے ہیں ہم نے سب دوا دے دی, اب اوپر والے سے مانگو, اب وہی بچا سکتا ہے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اب اوپر والے سے مانگو کا مطلب کیا ہوا, یعنی پہلے کوئی اور بچانے والا تھا, ابھی اوپر والا بچانے والا ہے, یا ڈاکٹرز کو ایسا لگتا ہے پہلے تو ہم لوگ بچا رہے تھے ابھی اوپر والا بچائے گا. صحیح بات تو یہ ہے کہ پہلے سے آخر تک بچانے والا اوپر والا ہے. ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے, لیکن کتنے سارے لوگ دوائیں بہت لیتے ہیں لیکن ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں, اور کتنے سارے لوگ بنا دوا لیے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہم دوا لیں گے لیکن ٹھیک کرنے والا اوپر والا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, اس کے ساتھ اپنے سمبندھ کو جوڑنا بہت ضروری ہے. وہ کیسا ہے؟ قرآن میں دیا ہے سورہ شورا میں سورہ 42 آیت نمبر 11, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں, اس کے جیسا اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں, اس کے جیسا بھی کوئی نہیں. اب سوچئے, سارے انسان اسے پکارے, وہ ہر انسان کی پکار سنتا ہے, گونگے کی پکار سنتا ہے, کروڑوں انسان ایک ٹائم پر اسے پکارے, وہ سب کی پکار سننے پر قادر ہے, طاقت رکھتا ہے. ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے, اگر ایک انسان کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اسے سب جگہ کی سب آوازیں سنائی دینے لگے, سب جگہ کی سب آوازیں سنائی دینے لگے, آسمان زمین جانور مشینز سب جگہ کی آواز سنائی دینے لگے, پاگل ہو جائے گا وہ انسان. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والا وہ ہے جو سارے انسانوں کی بات, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والا سارے انسانوں کی باتیں سنتا ہے, تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.
तो यहां हम ये देखते हैं कि जब सब कुछ उसी के हाथ में है, तो अगला सवाल हमारे सामने ये है कि हम पूजा, उपासना, बंदगी, वर्शिप, हम इबादत कहते हैं, किसकी करें? इबादत किसकी करें जब बनाने वाला वही है, मालिक वही है, जिंदगी देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है, सब कुछ उसी के हाथ में है, तो इबादत किसकी होनी चाहिए, पूजा किसकी होनी चाहिए? और हकीकत यह है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पे आके फेल हो जाते हैं। क्या करते हैं वो मानते हैं कि हाँ मालिक तो एक है, सबका मालिक एक, वो मानते हैं कि हम सब इंसानों का पालनहार बनाने वाला एक ही है, लेकिन जब पूजा की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम पूजा उसकी करेंगे। अब जरा सोचिए कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान की पूजा करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेरणा नहीं ले सकता, कोई बात सीख नहीं सकता, हम इंसान दूसरे इंसानों से बातें सीख सकते हैं, अच्छी बात ले सकते हैं, बल्कि ऊपर वाले ने मार्गदर्शक भेजे, गाइड्स भेजे इंसानों को रास्ता बताने के लिए। कई बार जमाने जमाने में ऐसे कई सारे पैगंबर और रसूल आ चुके हैं, ऐसे इंसान जिन्हें ऊपर वाले ने चुना था और जिन्होंने इंसानों को सही रास्ता बताया, इस बात में हम इनकार नहीं कर रहे हैं, अच्छे इंसान गुजरे हैं जिन्होंने इंसानों को अच्छी अच्छी बातें बताई, इसका हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूजा किसकी होनी चाहिए, इबादत किसकी होनी चाहिए? क्या एक इंसान जो मोहताज है, भाई हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए, ऊपर वाला कौन है? वह युत इमु वाला युतमु, वो तो खिलाने वाला है, उसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। वला युहीतु ना बिशय मिन इल्मिहि इल्ला बिमाशा, उसके ज्ञान उसकी नॉलेज को तो कोई एनकंपस नहीं कर सकता, घेर नहीं सकता, वो तो सब कुछ जानने वाला है। लाता खुजुहु सिनतों वला नौम, उसे ना नींद ना ऊंग काबू में करती है, वो तो वो खिलाने वाला है, वो तो हम सामने सारी चीजें देने वाला है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, हम सब उस पे निर्भर है, वो तो अनिर्भर है। तो हम देखते हैं कि एक इंसान जो खुद निर्भर है, क्या एक दूसरे इंसान की पूजा करेगा जिसे खाने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, नींद की जरूरत है, आराम की जरूरत है, सर के ऊपर एक साये की जरूरत है, टॉयलेट भी जाने की जरूरत है, क्या एक इंसान दूसरे इंसान की पूजा करे? तो हम ये कह रहे हैं नहीं, इंसान इंसानों से अच्छी बातें जरूर सीख सकते हैं, इसमें हम इनकार नहीं कर रहे हैं, अच्छे मनुष्य गुजरे हैं, अच्छे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इंसानों को सही अच्छी बातें बताई, इसका हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मालिक और हमारे बीच का संबंध है ये डायरेक्ट है, क्योंकि हमारा मालिक जब परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो हमारे परफेक्टली करीब भी है। कुरान में दिया है सूरह 50 आयत नंबर 16 कि वो हमारी शह रग, जो दिल के सबसे करीबी रग है, खून की जो रग, वेन, जिसे इंग्लिश में जुगुलर वेन कहते हैं, उससे भी करीब हमारा मालिक है, सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, हमारे सबसे करीब तो वही है ना, उससे करीब कौन हो सकता है? हमारे प्रॉब्लम को समझने वाला है, हमारी बात को हर वक्त सुनने वाला है, गूंगे की पुकार को सुनने वाला है, दिल की बात को सुनने वाला है, उसके और हमारे बीच में कोई नहीं, हमारा उससे डायरेक्ट संबंध है। अब लोग इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि जैसे ऊपर आने के लिए सीढ़ी चाहिए, तो हाँ ऊपर का माला दूर है इसीलिए सीढ़ी चाहिए, लेकिन ऊपर वाला तो हमारे सबसे करीब है, जज तक जाने के लिए लॉयर चाहिए, हाँ चाहिए, क्योंकि जज इंसान है, प्रॉब्लम समझता नहीं है, उसको समझाना पड़ता है, कई बार जज बिके हुए भी होते हैं, कई बार झूठी बातें भी होती है, लेकिन ऊपर वाला तो करोड़ों इंसानों को एक टाइम पे सुनता है, वो तो किसी पे नाइंसाफी नहीं करता, वो तो किसी का गलत नहीं करता। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, आइए अपने आप को हम अपने मालिक से जोड़ें, और जो ऊपर वाले ने इंसान को बनाया तो थोड़े दिनों के लिए बनाया, जरा ये बताओ जिसने हमें पहली बार बनाया क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? क्या लगता है ज्यादा मुश्किल क्या है, पहली बार बनाना ज्यादा मुश्किल है? जिसने हमें बनाया, देखिए हम भी बनाते हैं, हमने क्रेन बनाई, हाथ को देखकर बनाया, क्रेन जो होती है ना क्रेन, अब वो उठा रही है तो हाथ से इंस्पिरेशन लिया हुआ है, हमारा एरोप्लेन परिंदे से इंस्पिरेशन से बना है, हमारी बोट, हमारी सबमरीन मच्छी को देख के बनी है, लेकिन ऊपर वाले ने तो हाथ बनाया, कुछ देखे बगैर बनाया। अब आप बताओ जिसने पहली बार बनाया क्या वो फिर से नहीं बना सकता? क्या जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को बनाया वो इंसानों को फिर से नहीं बना सकता? सही बात तो ये है ना
ये दुनिया में सब चीज मिक्स्ड अप है, अच्छी चीजें भी है परेशानी भी है। ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं जिन्हें अच्छी चीजें मिलती है, ऐसे लोग हैं जो मालदार है करोड़पति है लेकिन बुरे काम कर रहे हैं, स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, कितने सारे चीट और फ्रॉड और डॉन किस्म के लोग हैं दुनिया में, हंसते हुए जीते हंसते हुए मरते भी हैं। अब जरा सोचो कि जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है तो ये क्या हो रहा है, ये तो नाइंसाफी हो रही है ना। कितने सारे अच्छे लोग हैं उन पर लोग हंसने लगते हैं, कितने सारे अच्छे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, कितने सारे बुरे लोग हैं बहुत सारे ठाट की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सही बात क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनें, यहां सवाल में ही जवाब है। ये पूरा जीवन एक परीक्षा है, परीक्षा है तो परीक्षा का परिणाम भी आएगा, एग्जाम है एग्जाम का रिजल्ट भी आएगा, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिसने हमें बनाया वो हमें फिर से बनाएगा और बना करके हमें अपने कर्मों का हमारे कामों का रिजल्ट मिलेगा। ये दुनिया के जीवन में बहुत जीने मिलता है, ये दुनिया के जीवन में बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन एक बार हम दुनिया से चले गए उसके बाद फिर से मौका नहीं मिलने वाला, फिर से जीने नहीं मिलने वाला, तभी रिजल्ट होगा। और वो रिजल्ट के अंदर एक इंसान जो काम करेगा उसको उसके मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। फमैया अमल मिथकाला ज़र्रतिन खैरन यरह, जिसने थोड़ा भी अच्छा किया देखेगा। वमैया अमल मिथकाला ज़र्रतिन शर्रन यरह, जिसने थोड़ा भी बुरा किया वो भी देखेगा। छोटी से छोटी चीज का परिणाम मिलेगा, छोटे से अच्छे काम का भी रिजल्ट मिलेगा, और जो गलत चीज इंसान ने किया है उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या वो इंसाफ नहीं करेगा? क्या अच्छों को अच्छा का अच्छाई, क्या अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा? क्या बुरों को बुराई की सजा नहीं मिलेगी? क्या इंसानों के बीच में इंसाफ नहीं किया जाएगा? जरा आप सोचिए कि जब ऊपर वाला परफेक्ट है उसमें कोई कमी नहीं है तो क्या वो ऐसे ही रहने देगा मामला, जैसे दुनिया में है ना मिक्स्ड अप, परेशानी सब किस्म के लोगों पे आती है, अच्छे लोगों पे भी आती है बुरे लोगों पे भी आती है, और नेमतें अच्छे लोगों पे भी आती बुरी लोगों पे भी आती है। तो हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए जिंदगी का क्या मकसद है, हम सब दुनिया में क्यों आए हैं। कुरान में दिया है सूरह ज़ारियात में सूरह 51 आयत नंबर 56, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह कहता है मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए बनाया है, सिर्फ हम बने हैं ताकि हम उसकी इच्छा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। तो आपके सामने एक बात है कि हम सबका मालिक एक है, उसके जैसा कोई नहीं है, और हमें इबादत उसी की करनी चाहिए, पूजा उपासना बंदगी वर्शिप उसी की करनी चाहिए। दिल की इबादत होती है कोई जुबान की इबादत होती है, कोई दिल की श्रद्धा है, जुबान से कोई बात कह रहा है, जिस्म से कोई काम कर रहा है, सब के सब सिर्फ उसी के लिए, किसी और के लिए नहीं। और अच्छे मार्ग अच्छे रास्ते बताने वाले जो आए, और कुरान में अल्लाह ने कहा है वली कुल्ली कौम इन हाद, हर कौम के लिए मैंने मार्गदर्शक रास्ता बताने वाले भेजे, वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, ऐसे लोग गुजरे ही नहीं जिनमें वार्नर नहीं रहा। तो वार्नर थे, रास्ता बताने वाले थे, वार्निंग देने वाले थे, हर जमाने में सब पर हम ईमान लाते हैं, सारे सच्चे लोगों पर। और वही लिस्ट में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जो आज से 1400 साल पहले अरब जमीन में उन्होंने यही सच्चे पैगाम को पहुंचाया। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी पूजा करो, उन्होंने ये नहीं कहा किसी इंसान की करो या इंसान के हाथों के बनाई हुई चीज की करो। उन्होंने ये सिखाया कि आपका और मेरा जो मालिक है, हम सबका जो मालिक है, उसी की इबादत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारीफ तारीफ अल्लाह की जो सारे जहानों का रब है। उन्होंने यही पैगाम सिखाया और यही मैसेज पहुंचाया कि इंसान को जिंदगी दी गई है एक एग्जाम के तौर पर, और एग्जाम का रिजल्ट आएगा। उन्हें जो किताब दी गई वो किताब का नाम है कुरान। कुरान में अल्लाह ने वो पैगाम दिया है, वो मैसेज दिया है जो इंसानों के सही रास्ते के लिए है, और ये किताब की हिफाजत की गारंटी ऊपर वाले की तरफ से। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह 15 आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस पैगाम को भेजा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसकी हिफाजत की गारंटी ऊपर वाले ने खुद ली है, और उसने इस किताब की हिफाजत की। आज 1400 साल हो गए, कुरान की कॉपी थोड़ी भी चेंज नहीं हुई, 1400 ईयर्स में कुरान की कॉपी चेंज नहीं हुई। आज भी कुरान की कॉपी म्यूजियम्स में है,
और ऐसी कॉपीज जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी के टाइम की, साथियों के टाइम की, लेकिन हर मुस्लिम घर में जो कॉपी है उसके साथ सेम है, अनचेंज्ड। ये किताब एक ऐसी किताब है जिसके अंदर ये सारी बातें जो मैंने कहा उस किताब में दी गई है, और पैगंबर की सच्चाई पैगाम की सच्चाई से पता चलती है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे भगवान की पूजा करो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपका जो बनाया हुआ मालिक है, और यही पैगाम कुरान ने दिया है कि इंसानों का जो मालिक है, इंसानों को चाहिए अपने मालिक से कनेक्ट हो जाए, बस उसको पहचाने। वो एक अकेला है, उसका कोई भागीदारी और पार्टनर नहीं है। और कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह 4 आयत नंबर 48, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दो, जोड़ दो। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसके सिवा और कोई गुनाह और कोई अपराध जिसे चाहे माफ करें। वमन युशरिक बिल्लाह, क्योंकि जिसने अल्लाह के साथ किसी को जोड़ दिया, भागीदार बना दिया, पालनहार के साथ किसी को जोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, उसने सबसे भयानक गुनाह कर दिया, भयानक अपराध किया। तो मेरे भाई मेरी बहनें, जैसे एक होता है कानून गद्दारी का, भाई जमीन किसकी है, अल्लाह की है, या आसमान किसका है, अल्लाह का है, ये एक एक दिल की धड़कन किसकी दी हुई है, ये पावर कहाँ से आ रहा है, ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है, सब चीज़ जब उसकी है तो हम अगर उसकी सारी चीज़ों को लें और उसी का इनकार करें, उसकी सारी चीज़ें को लेकर उसको ही बुरा कहें, उसके साथ दूसरे भागीदारी जोड़ें, तो क्या हमारे लिए गलत है या नहीं है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए हम इंसानों को? क्या हमें उसका इनकार करना चाहिए? अब इंसान कैसा होता है कि 364 दिन खाना मिला ये नहीं दिखता, एक दिन नहीं मिला बोलता है उसने दिया नहीं। समझदारी क्या है कि हमें जो एहसान मिल रहे हैं ना, ये एक एक चीज़, एक एक चीज़ उसकी दी हुई है, अब हम उसके शुक्रगुजार बने, हम उसके सारे के सारे ये उपकारों को मानकर, उपकार को मानकर वैसी ज़िंदगी बिताएं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सोचते ही नहीं है, बिजनेस में दिमाग चलेगा उनका, काम में दिमाग चलेगा, कॉलेज में चलेगा, डिग्री लेने में चलेगा, जब ऊपर वाले का टॉपिक आता है यहाँ स्विच ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे दिमाग को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि हमारे बाप दादा क्या करते थे हम वही करेंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि बाप दादा को कोई चीज़ नहीं मालूम होगी, हमें मालूम पड़ी, तो हमें सही चीज़ मालूम पड़ने के बाद लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे दादाजी जो बोलते थे हम वही करेंगे। अब दादाजी के ज़माने में अगर ये माना जाता था, ऐसा पहले के ज़माने में होता था कि लोग कहते थे कि ज़मीन चपटी है, उस ज़माने में क्या ज़मीन चपटी थी? क्या हमें वो करना चाहिए? फिर हम इसमें धर्म के मामले में क्यों अपने दिमाग को बंद कर देते हैं? तो इंसानों की रहनुमाई के लिए, सही रास्ते के लिए अल्लाह ने जैसे कई मैसेंजर्स को भेजे, उसी पीढ़ी में, उसी कड़ी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मैसेंजर हैं। उन्हें जो पैगाम दिया गया वही पैगाम है जो सारे नबियों को दिया गया, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब के साथ भेजा गया कुरान। आज साइंस ऐसी कई चीज़ें डिस्कवर किया है जो साइंस को अभी 25, 50, 100 साल पहले मालूम पड़ा, कुरान में 1400 साल पहले से लिखी हुई है। बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ये वो किताब है जो अगर कोई इंसान सिर्फ साफ दिल से पढ़े और सोचे तो उसे हिला करके सही पैगाम बताने वाली किताब है। और मैं आपको ये बताऊँ, बहुत सारे मुस्लिम समझते हैं कि हमारी बुक है, हालांकि कुरान में अल्लाह ने कहा हादा बलागुल लिन्नास, यहाँ एक पैगाम है सारे इंसानों के लिए, सारे इंसानों के लिए पैगाम है। मैं आपको ये दावत देता हूँ, जब सारे इंसानों के लिए हैं तो आपके लिए भी है, अपनी खुद की कॉपी हासिल करिए, पढ़िए, थोड़ा गौर करें और ज़िंदगी के मकसद को पहचानें। सही बात तो ये है, ये दुनिया में परीक्षा है, परीक्षा में सही जवाब भी होता है, गलत जवाब भी होते हैं। एग्जाम के अंदर होता है ना सिलेक्ट द राइट आंसर, अब एक सवाल दिया है चार जवाब है, एक सही जवाब है, तीन गलत जवाब है, अब वो तीन गलत जवाब भी वहां पर है। तो ये दुनिया में भी हम देखते हैं गलत चीज़ें भी दिखती है, शराब भी है, अच्छी चीज़ें भी है, गंदी चीज़ें भी है, सही रास्ता भी है, सही चीज़ भी है, गलत चीज़ भी है। अब एक इंसान के लिए शुरुआत जो होती है वो नंबर वन उसके मालिक से कनेक्ट होना, गलत से बचना है क्योंकि मालिक देख रहा है, उसके लिए बचना है, सब अच्छे काम करने हैं उसके लिए काम करने हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मान लीजिए कि एक शख्स है ऑफिस में काम कर रहा है, उसका एक बॉस है,
बॉस बोलता है ये करो ये करो ये करो, उसे वो करना है। लेकिन एक दूसरा आदमी है, उसके 10 बॉस है, 10। एक बॉस बोलता है ये करो, दूसरा कहता है वो करो, तीसरा कहता है वो करो, चौथा कहता है वो करो, उसे 10 बॉस की बात सुनी। तो ये दोनों में किसके पास दिमाग की शांति होगी, मन की शांति किसे मिलेगी? जिसका एक बॉस है, जिसके 10-10 बॉस है, जाहिर सी बात है जिसका एक बॉस है। अब हम सब गौर करें कि हम सब का जो मालिक है वो एक ही है, उसी के कंट्रोल में है। ये सृष्टि को देख के समझ में आता है कि मालिक एक है। लेकिन अगर एक इंसान अपने लिए 10 बॉस बना लेता है, कहता है मैं इसकी पूजा भी करूंगा, उसकी 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 भी करूंगा, कोई और नाराज हो जाएगा, कोई और काम बिगाड़ दिया, और टेंशन कितना हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहने, अपने आप को बस अपने मालिक से कनेक्ट कर लेते हैं हम, ये सब टेंशन में लोगों के नहीं पड़ते हैं कि इसको खुश करो, उसको खुश करो, उसको खुश करो। एक मालिक खुश हो गया तो हमारा काम बन गया, और वो नाराज है तो काम बन के भी कोई फायदा नहीं। तो हमें देखना है कि हमारा संबंध उसके साथ डायरेक्ट है। वो कहता है उद्धोनी अस्तजिब लको, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। इंसानों से मांगते हैं ना, उन्हें बुरा लगता है, अरे बार 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 मांगते रहते हो। लेकिन ऊपर वाले का मामला ऐसा है कि उससे मांगते हैं ना, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मांगता है एक इंसान तो अपने आप को छोटा बनाता है। तो मेरे भाई और मेरी बहने, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इंसान जिसकी इंसान की सच्चाई उसकी जिंदगी में दिखती है, एक ऐसा इंसान जिसको सब लोग ये कहते थे ये सादिक और अमीन है, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, भरोसा था उनका उन पर। लेकिन उन्हें ऊपर वाले ने चुना, और उनके पास फरिश्ते जिब्रील वो किताब लेकर आए, एक ऐसे इंसान के पास जिन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसे इंसान को चुना था कि इंसानों को डाउट करने का कोई मौका ना मिले। एक ऐसा इंसान जिसकी सच्चाई उसकी पूरी कैरेक्टर उसकी पूरी जिंदगी दिखती है, और वो इंसान को ऊपर वाले ने सारे इंसानों के लिए चुना ताकि वो सही पैगाम को पहुंचाए। उन्होंने वो जिंदगी जी जो मिसाली जिंदगी थी, और वो बातें हम तक जो पहुंची, जो कुरान किताब आज हम तक पहुंची, और ऊपर वाले के बारे में जो बातें हम तक पहुंची, अब हम सबको पहचानना है कि जिंदगी के एग्जाम को समझें और जिंदगी में पास होने वाले लोगों में बने। बहुत सारे लोग हैं फेल होने वाले, बस दुनिया के अक्सर इंसान तो आंखें बंद कर देते हैं। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि अपनी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करना है, हमें अपने अकल और दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है, हमें बस ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, लोग बोलते हैं ना ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अरे भाई एक जमाने में सब लोग बोलते थे जमीन चपटी है, ज्यादा लोग बोलते थे तो तभी जमीन चपटी थी क्या? नहीं। अगर ज्यादा लोग मिलकर 2 और 2 5 बोले तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। तो हम ये ज्यादा और कम के फैसला कभी ना करें, हम ये फैसला करें सच क्या है, हमारे मालिक के बारे में सच्चाई क्या है, हमारी जिंदगी के बारे में सच्चाई क्या है। वो सच्चाई को जानकर उस पर ईमान लाना ये हमारे लिए जरूरी है, उसके मुताबिक जिंदगी बिताएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो वो करो, जिंदगी में कुछ निकल करके जंगल में जाने नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जरा ये गौर करिए कि मेरा मालिक है, बनाने वाला है, वो एक है, उसका कोई भागीदारी शरीक नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, और हमारी सारी इबादत पूजा उपासना बंदगी सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए। और उसने इंसानों में से इंसानों को चुना, पैगंबरों को भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा, उन्हें किताब दी कुरान, जिसकी हिफाजत उसने की है, जो आज सारे इंसानों के लिए है और हमारे लिए भी है, और जिस किताब में जिंदगी की सच्चाई दी गई है कि दुनिया की जिंदगी परीक्षा है, और ऊपर वाला ने जिसने हमें पहली बार बनाया वो हमें फिर से बनाएगा। भाई धरती मरने के बाद बारिश के जमाने में क्या होता है, पूरी जिंदा हो जाती है। जिसने इस धरती को मरने के बाद जिंदा किया, क्या वो हमें जिंदा नहीं कर सकता? यकीनन जिंदा कर सकता है, परिणाम आएगा। गलत लोग गलत काम करके बच के जाने वाले नहीं है कहीं, सबको जिंदा होना पड़ेगा। जिसने पहली बार बनाया वो फिर से बनाएगा, और रिजल्ट आने वाला है। और ये जो बात आप तक पहुंची, ये सिर्फ ऊपर वाले के एहसान से पहुंची। देखिए मेरे भाई मेरी बहने, बहुत सारे इंसान हैं जिनको ये सब बातें सुनने का मौका नहीं मिलता, जो दुनिया की जिंदगी में ऐसे मगन है, ऐसे बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आप तक ये मैसेज पहुंचा है तो आप इस चीज़ को निग्लेक्ट ना करिए, इस चीज़ को छोड़कर जिंदगी ना बिताएं, इस चीज़ के मुताबिक बिताएं। और सही बात समझ में आ गई ना, तो दुनिया के इंसानों के लिए सच्चाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि फाइनली मरने वाले तो हम अकेले हैं, और दुनिया की सब चीज़ें यहीं पर छोड़ के आएंगे, ये समाज माशरा सोसाइटी ये सब यहीं पर रहने वाला है, हम अकेले जाएंगे ऊपर वाले के सामने। जैसे खाली हाथ दुनिया में आए थे ना, खाली हाथ खड़े रहना है,
वो टाइम पे जो चीज काम आएगी वो हमारा ईमान है और हमारे कर्म है, और हमारा ईमान सही हो मालिक पर और हम कर्म सही करें तो ही बचने वाले हैं। ये सच्चाई है, इससे मुंह ना मोड़िए। मैं आपको दावत दे सकता हूँ, फैसला तो आपका है, कयामत का दिन आने वाला है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, सच्चाई का कोई इनकार नहीं कर सकता। झूठी चीज वक्ती तौर पर अच्छी लगती है लेकिन फाइनली दम तोड़ने वाली है। सच्चाई है जो लॉन्ग रन में काम आएगी, जो हमें सच्चे रास्ते में वो स्टेज पर काम आएगी जब दुनिया से हम चले जाएंगे, जब परीक्षा खत्म हो जाएगी। ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ कि वो हमें, आपको, मुझे, हम सबको सिर्फ सच्चाई को मानकर, पहचान कर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बिताने की तौफीक दें। थैंक यू सो मच, आपने बात सुनी, जरूर गौर करिएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।